तो इससे पहले कि ये कहानी शुरू हो, आपके लिए दो बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहली तो ये कि ये कहानी 5 लोगों के अराउंड रिवॉल्व करेगी, उमेर, जैदी, रुमान, सभी एंड ऑब्वियसली मैं। और दूसरी बात ये कि हम जा रहे हैं नक्याल, तो नक्याल कहाँ पर है? नक्याल LOC के करीब एक छोटा सा शहर है, तो हम नक्याल क्यों जा रहे हैं? सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट वाई वी आर गोइंग टू नक्याल। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, तो सीन ये है कि अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम अपनी जगह पर पहुंच गए। प्लान ये था कि 6:30 बजे हमने इस जगह पे पहुंच जाना था, लेकिन ये जो दो बॉयज़ हैं ना, ये पूरा आधा घंटा लेट आए। बॉय नंबर 4 तो उठा ही नहीं है, तो बस बॉय नंबर 4 को मिस करा रहे हैं। और अभी बस हम चलेंगे, अपना ट्रैवल व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बस अच्छा जी, तो एक बॉय जा रहा है पैसे निकलवाने। यार अभी ना हम जाते गाड़ी पे, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब था, तो हमने डिसाइड किया कि बाइक बेटर ऑप्शन है। तो अब दो बाइकों में से ना एक जो हमारी बाइक है ना, वो ना थोड़ी सी स्पेशल है। आप लोगों ने बहुत जुनेजो फैंस देखे होंगे, लेकिन ये भाई जितना डाई हार्ड फैन है ना जुनेजो का, यार मतलब ये नक्याल जाने की 2 वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि हमने वहाँ पे घूमने जाना था, और दूसरी वजह ये थी कि हमने उमेर से मिलना था, उसे ट्रीट लेनी थी। तो घूमना इज सेकेंडरी, लेकिन उमेर से ट्रीट लेना इज प्राइमरी। सुबह 6 बजे उठ के अगर आप कहीं पर घूमने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको भूख लगी होगी, तो रास्ते में रुककर नाश्ता करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। अपडेट है, बॉय नंबर 4 जिससे हमें डिच कराया था, वो वापस आ गया है। सभी रास्ते में अभी हम एक जगह पे रुके हैं, और यार जगह देख के मैं तो पागल हो गया हूँ कम्प्लीटली। यार दिस सीन देखो यार, इस पूरी जगह का शक्ति। यहाँ पर जो मैं अपनी आंखों से जो मैं सीनरी देख रहा था ना, वो कैमरे में नहीं दिख रही, तो बल्कि मैंने बी रोल्स बनाए थे। हाँ, बी रोल्स देख लो, तो बी रोल्स फिट होंगे। तो हम नक्याल पहुंच गए, उमेर, बाकी सब बॉयज़, और अभी हम एक स्पॉट पे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो शशके है ना, बहुत आला है, तो उस स्पॉट पे भी चलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम एक जगह पे रुके हैं,
तो ये बेसिकली एक रेस्ट हाउस है, और जब भी कोई बड़ी सियासी लोग जब यहाँ पर आते हैं तो वो इस जगह पे स्टे करते हैं। तो ये है वो रेस्ट हाउस। अब ये रेस्ट हाउस वाली बात मुझे बताई थी मुश्तबा भाई ने, और बिल्डिंग देख के मैंने कहा यार यहाँ पर कोई क्यों रहने आएगा, लेकिन जब मैंने आगे जाके जब मैंने सीन्स देखे ना उस जगह के, तो फिर मुझे पता चला कि वहाँ पर लोग रहने आते हैं उस जगह के व्यू की वजह से। अच्छा जी, तो इससे पहले कि कहानी आगे बढ़े, चुप कर। अच्छा, तो इससे पहले कि कहानी आगे बढ़े, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैरी की जो बर्थडे ट्रीट वाला जो सीन था ना, वो हो गया कैंसिल, क्योंकि मैरी का बजट शॉर्ट था। तो वो वाला सीन हमने शिफ्ट कर दिया है किसी और दिन। तो आज बस हम निकाल घूमेंगे, उसके घर खाना खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। खैर, तो अभी यहाँ पर जो फ़ोटोज़ वगैरह लेनी थी, वीडियो वगैरह बनानी थी, वो बना चुके हैं। तो अभी हम जाएंगे और ऊपर जो टॉप है, अभी हाँ अभी हम टॉप पे जाएंगे, तो टॉप पे मिलते हैं। से इतना लंबा सफ़र करके, इतने ख्वारी बर्दाश्त करके, 30 मिनट वहाँ से यहाँ ऊपर आने का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो मकसद था ये व्यू। अब ये पाकिस्तान वाला कश्मीर है, और ये वाला जो पहाड़, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, और ये हमारे सामने LOC है। हालात ख़राब होते हैं ना, तो आप अक्सर न्यूज़ में हम लोग जो सुनते हैं कि LOC पे गोले पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, ये सब कुछ, और वो जिस जगह का बताया जाता है ना, ये वही जगह है। तो इट्स अभी डेंजरस, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता, किसी शायद इंडियन स्नाइपर ने मेरी तरफ अपनी गन ना की हो, तो तो बस यार अब जगह देख ली, तो बस अब चलते हैं। भाई इतना ही होता है कि जगह हमने देख ली है, यहाँ पर बस आके देख के फ्रेश वगैरह हो गए। तो अब उमैर के घर हमने जाना है, दोपहर का खाना वहाँ पे खाना है, और फिर बस 2-3 जगह वो घूम के हम फिर वापस आ जाएंगे। तो बस यही सीन्स हैं अभी तक। तो मेरा ट्रिप बहुत अच्छा चल रहा है, आई मीन आई एम रियली इन्जॉइंग विद माई फ्रेंड्स। मैं इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर रहा जितना ज़्यादा मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि मैं कितना इन्जॉय कर रहा हूँ। घर से हम खाना खा चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं बॉय नंबर 7 को लेने, हमाद यूसुफ। तो सीन ये है कि हमाद यूसुफ को हम उठा चुके हैं घर से। तो हमाद यूसुफ ने बताया है कि उसके घर के करीब ही कोई एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जगह है, बहुत प्यारी जगह है, तो अभी हम वो जगह देखने जा रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट की ट्रैकिंग के बाद हम उस जगह पे पहुंच गए। पहले तो मैं हमाद यूसुफ को कह रहा था कि अगर जगह अच्छी ना हुई तो तुम्हें मैं बताऊंगा, लेकिन जगह देख के यार, मतलब दिस ट्रैक वाज रियली वर्थ इट। यार इस जगह पर जो चीज़ पैसे पूरे करने वाली है ना, वो ये मेरे पीछे वाली सीनरी है यार। मतलब ओह, बहुत आले हैं यहाँ के।
river. Yeah, I took a leap and I dived down in your river. Yeah, I'm in so deep in. I'm underwater, yeah, and it's hard to breathe without you. I'm deep in your river, babe. Cause there's like rivers pulling you into the ocean. There's like rivers pulling you to and from the ocean. Underwater, yeah.